सिस्टम रसूख और सफेद पोश में छिपे राक्षस के आगे एक बार फिर सच्चाई हार गई। वो अंत तक लड़ी, गुर्गो ने डराया लेकिन डरी नहीं। प्रताड़ना सहती रही, सिस्टम के आगे डट कर खड़ी रही, लेकिन जब हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी तो वो अंदर से टूट गई। अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगा ली, लेकिन मरने से पहले वो देश को ये जरूर बता गई कि सिस्टम आज भी अंदर से कितना खोखला है। जो न्याय दिलाना तो दूर, वो आपको सच के साथ खड़ा भी नहीं होने देगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुष्कर्म पीड़िता पिछले 2 साल से ज्यादा समय से अकेले घोसी से बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही थी। सांसद के गुर्गो की प्रताड़ना भी उसके हौसले को डिगा नहीं पाई थी। न्याय की आस में भटक रही पीड़िता ने 16 अगस्त को फेसबुक पर लाइव वीडियो शेयर कर आत्मदाह किया। वहीं उसके साथी गवाह ने भी आत्मदाह कर लिया था। अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। इन लोगों के द्वारा, उसमें जिन लोगों के नाम थे उन लोगों के द्वारा मिलकर नॉन बेलेबल वारंट इशू करा दिया गया, एक जगह से नहीं बल्कि दो दो जगह से, बलिया से और बनारस से। और फिर इशू कराने के बाद आलोक श्रीवास्तव के द्वारा समन भेजा गया, क्योंकि मैं न्यायालय आऊं। और जब मैं कह रही हूं कि एनबीडब्ल्यू इशू हो गया है तो उसके बाद इस समन का क्या मतलब है, तो लोग कह रहे हैं, मतलब वो उनके सरकारी अधिवक्ता कह रहे हैं राजेश गुप्ता कि मतलब मुझ पर और मेरे गवाह पर हुए किसी भी केस से, चाहे वो अतुल राय के भाई ने कराया हो या अतुल राय के लोगों ने कराया हो, या भले आपके मुकदमे में मतलब क्या कहते हैं दबाव बनाने के लिए कराया हो, उन किसी भी मुकदमे का अतुल राय के बलात्कार के मुकदमे से, यानी मेरे मुकदमे 407/19 से कोई लेना देना नहीं है। यह आलोक श्रीवास्तव और उनके सरकारी अधिवक्ता राजेश गुप्ता जी का कहना है। तो कुल मिलाकर कहना यही है कि जो भी यह हमारा वीडियो देख रहा है वह इस वीडियो को कृपया करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे फेसबुक को डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि माननीय आलोक श्रीवास्तव और अमित पाठक के द्वारा हमें जिस गंतव्य पर पहुंचाना था तो हम लोग उस गंतव्य पर पहुंच गए हैं और हम लोग जगह नहीं बताएंगे। एसएसपी अमित पाठक ने नवंबर 2020 से ही हमें मजबूर कर दिया कि हम लोग मरें। साफ साफ आप सभी लोग सुने और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता सुने, देश की पूरी जनता सुने और पुलिस विभाग के वो लोग सुने जो लोग न्याय करना जानते हैं, जो लोग वर्दी न्याय के लिए पहने हैं। एसएसपी अमित पाठक की तरह झूठे पीड़ितों को बदनाम करा करके अपना अंदर अंदर काम करने के लिए नहीं बने हैं। तो आज हम लोगों ने जो कई दिनों से डिसाइड कर रखा था उसका मुख्य दिन आ चुका है। बता दें, मजबूत हौसलों वाली पीड़िता और उसके गवाह के कदम के पीछे बसपा सांसद के गुर्गो की प्रताड़ना को बड़ा कारण माना जा रहा है। बलिया के छोटे से गांव से वाराणसी पढ़ने आई पीड़िता के हौसलों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने यूपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में भाग्य भी आजमाया था। एक मई 2019 को बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उसने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। 22 जून 2019 से जेल में बंद सांसद के साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी पीड़िता सोशल मीडिया पर कटाक्ष करती रहती थी। उत्तर प्रदेश, मुझ पीड़िता को आप लोग न्याय दिला दीजिए। दुर्दांत अपराधी अतुल राय के द्वारा मुझे, मेरे गवाह और मेरे परिवार को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और उस टॉर्चर के फलस्वरूप मेरे केस करने के बाद
एक महीने तक हम लोगों को हर तरह से प्रलोभन दिया गया, धमकी दिया गया। जब हम लोग नहीं माने तो मेरे जो पैरोकार हैं और जो गवाह हैं उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया। ऐसे लड़की से मुकदमा लगवाया गया जिसको हम में से कोई उसे जानता तक नहीं है, ना बाई फेस ना बाई नेम। और उस दिन की सारी जो भी घटना है जिस डेट में लगाया गया, उस सारे डेट को मैंने जाके और सारे मैटर को जाके मैंने DCP UP को एक्सप्लेन किया। मैंने SP से मेरे गवाह को ले जाके हम दोनों ने बातचीत भी की, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह का कुछ भी अच्छा परिणाम हमें नहीं दिख रहा है। तीन जनवरी 2021 को 49 मिनट का एक वीडियो ट्वीट कर पीड़िता ने मारपीट का आरोप भी लगाया था। गवाह ने भी दिसंबर 2020 में शिवपुर निवासी शोभित सिंह और शुभम के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों ने लंका पुलिस को पुख्ता प्रमाण भी सौंपे थे। वाराणसी पुलिस की असंवेदनशीलता भी उसकी जिंदगी की जंग हारने के पीछे एक बड़ा कारण मानी जा रही है। SP बलिया ने हमें ये कहा कि क्राइम ब्रांच को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। क्राइम ब्रांच क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर से हमारी हर चीज़ लीक हो जा रही है, हमारा मैसेज, हमारा कॉल, हर चीज़ टैप किया जा रहा है। अभी 3 तारीख को हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे तो सारे लोगों को पता था कि हम लोग इलाहाबाद में हैं और उनके लोग हम लोगों के पीछे भी पड़ गए थे। क्या चल रहा है इस देश में हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि मैं बिना बाप की असहाय बेटी हूँ, मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। और अभी हमें तुरंत हाल फिलहाल में ये सुनने को मिला है कि अतुल राय के लोगों द्वारा कि हाईकोर्ट के जज तक भी वो लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग एनी हाउ छूट भी जाएंगे और छूटने के बाद फिर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो उन्नाव की पीड़िता का हाल है, उससे भी बदतर हाल करेंगे। वाराणसी के मंडुआडीह थाने की हिस्ट्री शीटर सूची में बसपा सांसद अतुल राय का नाम दर्ज है। इंस्पेक्टर परशुराम त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2011 में हिस्ट्री शीट खोली गई थी। इसके अलावा अतुल राय पर वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया सहित अन्य जिलों में 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने 13 मुकदमों का भी जिक्र किया था। इस पर भी मऊ में उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। सोशल मीडिया पर पीड़िता सांसद के खिलाफ काफी मुखर रही। सांसद को मुख्तार अंसारी का करीबी बताते हुए उसने फेसबुक व ट्विटर पर खुद की जान को खतरा बताया था। हालांकि प्रयागराज के नैनी जेल में बंद घोसी सांसद अतुल राय मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बता चुके हैं। पीड़िता और उसके गवाह की मौत के बाद अब पुलिस उन्हें प्रताड़ित करने वालों की पहचान में जुट गई है। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि शासन से गठित टीम पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। वाराणसी पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है कि पीड़िता और उसके गवाह को प्रताड़ित तो नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कौन लोग शामिल थे, उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध का सहारा लेकर राजनीति की सीढ़ी चढ़ने वालों को में घोसी से बसपा सांसद और दुष्कर्म के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतुल राय भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता और वह उसके गवाह के आत्मदाह के बाद वह इन दिनों सुर्खियों में है। अतुल राय पर हत्या, रंगदारी और दुष्कर्म जैसे संगीन किस्म के 27 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गाजीपुर के बीरपुर गांव निवासी अतुल राय को बनारस में पढ़ाई के दौरान जरायम जगत रास आने लगा। वह जल्द ही मऊ सदर विधायक माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी हो गया। ...2019 के लोस चुनाव में घोसी सीट से मुख्तार बेटे अब्बास को प्रत्याशी बनाना चाहता, मगर अतुल
अतुल राय ने बसपा टिकट लेकर जीत हासिल कर ली। यहां से मुख्तार व अतुल के बीच ना मिटने वाली लकीर खिंच गई। अतुल राय का नाम चर्चा में तब आया जब उसके खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के दौरान अतुल राय फरार रहा और फरारी के दौरान ही पूरा चुनाव लड़ा। परिणाम अतुल राय के पक्ष में आया तो लगा मानो उसके अच्छे दिन आ गए हैं। मगर बलिया निवासी युवती ने तमाम दबावों के बावजूद अपना मुकदमा ना तो वापस लिया और ना ही अपने कदम पीछे खींचे। अलबत्ता युवती के जज्बे के आगे पुलिस प्रशासन और जरायम का खौफ सब लाचार हो गया। इस बीच उम्र को लेकर एक मामले में युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के गेट डी के पास आत्मदाह करने की नीयत से खुद को आग लगा ली। इसकी वजह से पहले युवक और बाद में युवती ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अतुल राय के बाहर निकलने के तमाम रास्ते भी बंद हो गए हैं। छात्र राजनीति से सियासत की ऊंची बागडोर पर पहुंचने की अतुल राय की कहानी जरायम के रास्ते से ही मानी जाती है। अगर दुष्कर्म के मामले में युवती ने स्टैंड नहीं लिया होता तो शायद अतुल राय जेल के बाहर से सियासत की उड़ान भर रहा होता। हालात और बदले समीकरणों के अनुसार अब ऐसे हैं कि अतुल राय का छूटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी।